नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। लोजपा में अब इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जहां एक तरफ अपने पिता रामविलास पासवान को भारत रत्न दिलाने की मांग की है, इतना ही नहीं उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है, तो अब वहीं उनके चाचा पशुपति पारस भी सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि पशुपति पारस ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि उनके दिवंगत भाई रामविलास पासवान को भारत रत्न मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, चिराग पासवान के सबसे बड़े विरोधी नीतीश कुमार से पशुपति पारस ने समर्थन मांगा है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात की मांग की जाए कि दिवंगत रामविलास पासवान को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या कुछ जानकारी है हमारे पास, आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, चिराग या उनके चाचा पशुपति पारस की, इसका जवाब तो आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के फैसले के बाद मिल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिवंगत रामविलास पासवान का वोट बैंक किसकी तरफ है, क्योंकि पार्टी पर कब्जा करने के बावजूद अगर वोट बैंक का सपोर्ट नहीं मिला तो मुश्किलें कम नहीं होंगी। यही कारण है कि शक्ति प्रदर्शन के बाद अब लोजपा में इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। अब दोनों गुटों के बीच एक नई बात पर क्रेडिट लेने की होर मची हुई है, वह है पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत रत्न दिलवाने की। कुछ दिनों पहले ही जमुई सांसद चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता को भारत रत्न से सम्मान प्रदान कराने के लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की थी। वो अपनी इस मांग को लेकर चिराग ने एक लेटर भी लिखा था। उधर 5 जुलाई मनाने के लिए भी दोनों गुट अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। वहीं अब पशुपति कुमार पारस ने भी अपने दिवंगत भाई के लिए भारत रत्न देने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दी है। पारस ने अपने इस मांग को पूरा कराने के लिए उस शख्स से समर्थन मांगा है जिन्होंने चिराग पासवान नापसंद करते हैं, वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसके साथ ही उन्होंने हाजीपुर या पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की एक प्रतिमा स्थापित करने की भी अपील की है। भारत रत्न और प्रतिमा स्थापित करने की मांग चिराग पासवान ने तब की थी जब वो अपने पार्टी में टूट के बाद दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी। पार्टी की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति के जरिए पशुपति कुमार पारस ने कहा कि उनके भाई बड़े दलितों और दबे कुचले लोगों के मसीहा थे। सदियों से अंधेरे घर में दिया जलाने का उनका सपना था, जिसे साकार करने में LJP कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उनकी वजह से ही हाजीपुर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। तो चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही अब इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। जहां एक तरफ चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा निकालने का ऐलान किया, तो वहीं पशुपति पारस भी भोज का आयोजन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब दोनों ने ही प्रधानमंत्री से भारत रत्न की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि दिवंगत रामविलास पासवान दलितों के मसीहा थे, हमेशा उनके लिए काम करते थे, दबे कुचले लोगों के लिए रामविलास पासवान हमेशा सामने आकर खड़े होकर उनके सपोर्ट में रहते थे, उनकी मदद करते थे। ऐसे में अब रामविलास पासवान को भारत रत्न मिलना ही चाहिए और इसी को लेकर अब पशुपति पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन मांगा है और कहा है कि भारत रत्न के साथ ही साथ रामविलास पासवान की प्रतिमा भी स्थापित करनी चाहिए। अब ऐसे में देखना होगा कि रामविलास पासवान का वोट बैंक किसकी तरफ जाता है और लोजपा किसकी होती है, ये चुनाव आयोग की तरफ से बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले समय में LJP किसकी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।